दोस्तों, आज के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अक्सर लोग सुबह उठकर खाली पेट पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सुबह उठकर खाली पेट पानी पीने के क्या क्या फायदे होते हैं, और जब आप पानी पीते हैं तो वास्तव में होता क्या है? तो दोस्तों, सुबह खाली पेट पानी पीने के कुछ ज़बरदस्त फायदों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके जानकर आप दंग रह जाएंगे और इसे वास्तव में अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करेंगे, अपने परिवार वालों को जरूर बताएंगे, क्योंकि इसके लाभ वो भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे नीचे जाके लाल बटन को दबाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं ज़बरदस्त टिप्स जिससे आप घर पर ही अपनी औषधि बना सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम डायरेक्ट आते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहली बात, पानी के बिना जीवन संभव नहीं होता। अच्छी सेहत के लिए रोज़ कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी के साथ अगर सुबह खाली पेट पानी पिया जाए तो इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। बिस्तर से उठते ही हमें कम से कम 4 गिलास पानी पीना ही चाहिए। इससे आपकी पाचन क्रिया बिल्कुल ठीक रहती है, साथ ही आप कई तरह की बीमारियों से भी बच जाते हैं। सबसे पहली बात, धीरे धीरे बनाएं इस आदत को। दोस्तों, रोज खाली पेट पानी पीने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को वाटर थेरेपी ट्रीटमेंट कहते हैं। रोज सुबह जब खाली पेट पानी पीने की जो प्रक्रिया यानी वाटर थेरेपी ट्रीटमेंट कहलाती है, उसे जब आप पीते हैं तो पानी पीने के 1 घंटे पहले और पानी पीने के 1 घंटे के बाद तक कुछ ना खाएं और कुछ ना पिएं। ठोस आहार तो भूल ही जाइए। शुरू शुरू में 1 लीटर पानी पीना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। पहले 2 गिलास पानी पिए, फिर इसके 2 मिनट बाद फिर 2 गिलास पानी पिए। इस प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे तो संभव ही आपको 1 घंटे में 2 से 3 बार पेशाब आने के लिए जाना पड़ सकता है, लेकिन कुछ समय बाद आपका शरीर इस पानी का आदी हो जाएगा और आपकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी। दूसरी बात, पानी पीने से दूर भागती हैं बीमारियां। दोस्तों, जापान की एक मेडिकल पद्धति है, उसकी माने तो वाटर ट्रीटमेंट की मदद से पुरानी और गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक करने में मदद मिलती है। इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट थेरेपी से सिर दर्द, बदन दर्द, अर्थराइटिस, हृदय की तेज गति और ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, टीबी, मेनिंगाइटिस, किडनी, यूरिन की से जितनी भी जो भी समस्याएं हैं वो सब के सब जड़ से मिट जाती हैं और नियंत्रित हो जाती हैं। इतना ही नहीं, पानी पीने के इस इलाज से उल्टी, गैस की समस्याएं, डायरिया, बवासीर, मधुमेह, कब्ज, आँखों से जुड़ी समस्याएं, कैंसर, मासिक धर्म से जो अनियमित होता है, कान, नाक, गले से जुड़ी हुई बीमारियां और यहाँ तक कि दिल से जुड़ी हुई बीमारियां भी बिल्कुल काबू में आ जाती हैं और बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ मैं उपचार का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले सुबह उठने के साथ ही ब्रश करने से पहले 4 गिलास, जी हाँ, 4 गिलास आपको पानी पीना है। 1, 2, 3, 4, 4 गिलास पानी, जैसा कि रखा है 1 गिलास पानी रखा है, आपको ऐसे 4 गिलास पानी पीने हैं। उसके बाद ब्रश करने के 45 मिनट तक कुछ ना खाएं और ना ही कुछ पिएं। इसके बाद नाश्ता, लंच और डिनर के 15 मिनट के बाद अगले 2 घंटे तक ना कुछ खाएं ना कुछ पिएं। दोस्तों, बूढ़े हो, बीमार हो, जो भी कोई लोग हैं, उन लोगों के लिए 4 गिलास पानी पीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वे थोड़ी मात्रा से शुरुआत कर सकते हैं और इसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा असरदार नुस्खा है और इसके मदद से आप पाएंगे कि आपका ना केवल दवाइयों का खर्च, जो जिन घरों में बीमारियां ज़्यादा होती हैं, वो कम हो जाएगा, बल्कि वो एक और बेहतरीन स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों,
स्वस्थ जीवन सिर्फ दवाइयों से संभव नहीं होता। कई बार हमारी आदतें, कुछ अच्छी आदतें हमें एक स्वस्थ जीवन दे सकती हैं और हमें एक सुखी एहसास दिला सकती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप इसे कमेंट के माध्यम से हमें अपना फीडबैक जरूर दें। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी अपने अपने सभी मित्रजन और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए लाते हैं जबरदस्त टिप्स जिससे आप घर पर ही अपनी औषधि बना सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ख्याल रखें। धन्यवाद।